सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इस चीज को लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, शो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, n का केवल वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n और प्लस b टू द पावर n। ठीक है, मे बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b और आपको n का वैल्यू निकालना है। हो सकता है कि ये a और b के बीच जो है वो ज्योमेट्रिक मीन रहे। ठीक है, तो अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ज्योमेट्रिक मीन का जो जनरल फॉर्म होता है, फॉर्मूला, वो क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि g इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी है ना, यही तो होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर यही चीज ज्योमेट्रिक मीन है, अगर ये एक्सप्रेशन ही ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका मतलब कि रूट अंडर ए बी के इक्वल होगा, है ना। जब ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये रूट अंडर ए बी के इक्वल होगा। अब आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए टू द पावर एन प्लस वन है, तो जब यहां पे प्लस है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर वन। क्यों नहीं, बेस सेम है, पावर फाइनली क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। उसी तरह से इसको भी हम बी टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर वन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन ये है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ये रूट अंडर है ना, तो रूट अंडर को हम ए बी पे पावर वन बाई टू तो लिख सकते हैं पावर में, है ना, पावर में तो इसको लिख ही सकते हैं वन बाई टू, बोलिए हाँ, क्योंकि वन बाई टू लिखो या फिर केवल रूट लिखो, बात बराबर है। अब देखिए यहां से ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर वन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वन को भी अगर हम बांटेंगे तो इसमें आधा और आधा इसमें तोड़ के लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है, पावर वन को हम लोग आधा आधा पावर करके लिख सकते हैं, और यहां भी देखिए आप पावर में बी टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर वन बाई टू इंटू बी टू द पावर वन बाई टू, मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये जो पावर वन है उसको मैंने केवल ब्रेक करके लिखा है, क्लियर है। और इक्वल टू के बाद इधर क्या हो गया, अच्छा इसका मतलब हो गया कि ए पर पावर आधा और बी पर पावर आधा, हाँ है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर तो दोनों पर फिर बटेगा। ठीक है, तो ये हो गया, अगर मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो यही होगा, और ये जो नीचे है ये अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई में ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखिए तो इसको यहां से अभी तो आप कुछ नहीं कर सकिएगा, अभी तो जैसे है वैसे ही लिखना होगा। यहां देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको यहां से, तो ये कितना होगा a टू द पावर आधा इंटू ए टू द पावर n प्लस, जब इसको सॉरी ये जब मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, ये तो कंप्लीटली एक ही टर्म है, तो a टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर n और इंटू बी टू द पावर हाफ, फिर जब b टू द पावर n से जब ये मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म, तो a टू द पावर हाफ b टू द पावर n और b टू द पावर हाफ, यही होगा ना कंप्लीटली, आप देख लीजिए तो यही होगा। अब देखिए कि इस साइड जो है वो कंप्लीट, देखिए यहां a a वाला है, यहां कंप्लीट b b वाला है, यहां देखिए डबल a वाला है, यहां देखिए डबल b वाला है, तो एक काम करते हैं ना कि a वाले को एक साइड और b वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो a वाला तो यहां है ये वाला a पर पावर n, a पर पावर हाफ और a पर पावर हाफ, ये आ गया। अब इसको जब हम लोग यहां से इधर लाएंगे तो ये कंप्लीट आएगा किसमें, माइनस में, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ a जो है वो दो बार है और b एक बार है, तो इसीलिए इसमें एक a का जो नंबर ऑफ a है ना, a का जो संख्या है वो ज्यादा है, तो इसको इधर अगर लाएंगे तो a पावर हाफ इंटू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर हाफ इज इक्वल टू, इधर ये हो हाफ b टू द पावर n एंड b टू द पावर हाफ, ये टर्म जब उधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा,
तो माइनस बी टू दी पावर एन, बी टू दी पावर हाफ एंड बी टू दी पावर हाफ। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए कि ए टू दी पावर हाफ यहां भी है और ए टू दी पावर हाफ यहां भी है, यहां भी ए टू दी पावर एन है, यहां भी ए टू दी पावर एन है, मतलब कि ये दोनों टर्म जो है ये क्या है मेरा, यहां से कॉमन है। क्लियर है। तो यहां से आप कॉमन कर लीजिए ए पर पावर एन और ए पर पावर हाफ, तो यहां बच जाएगा आपका ए पर पावर हाफ, एक ए पर पावर हाफ तो बच गया, और माइनस के बाद यहां बच जाएगा आपका बी टू दी पावर हाफ। ठीक है। उसी तरह से यहां भी देखिए आप कि बी टू दी पावर एन और बी टू दी पावर हाफ, यहां भी देखिए बी टू दी पावर एन एंड बी टू दी पावर हाफ, इसको अगर कॉमन कर लिया जाए, ये देखिए हमने कॉमन कर लिया, तो यहां से क्या बचा, तो यहां से बचा ए टू दी पावर हाफ, और माइनस यहां से क्या बचा, तो बी टू दी पावर हाफ। क्लियर हो गया। अब ये चीज इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, जब यही चीज सेम जब उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको यहां सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, और फाइनली ये और ये दोनों क्या हो जाना है, कट जाना है। तो जब ये क्रॉस हो जाएगा तो ये बचेगा हाफ इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन एंड बी टू दी पावर हाफ, हाँ है ना। ये और ये तो दोनों क्रॉस हो जाना है, क्योंकि ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के जगह डिवाइड में, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है। अब देखिए यहां से पावर एन वाले को कर लीजिए एक साइड, तो ये हो गया पावर एन वाला एक साइड, और पावर हाफ वाले को कर लीजिए एक साइड, तो देखिए ये हो गया हाफ वाला एक साइड। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी टू दी पावर होल एन, क्योंकि जब दोनों जगह जब पावर एन एन है, इसको हम होल पावर एन तो लिख ही सकते हैं, और इक्वल टू के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाई ए होल पावर वन बाई टू। अभी जो है ना वो पावर कंपेयर नहीं हो सकता है, वो इसीलिए अभी नहीं हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हो कि एक जगह ए बाई बी है, एक जगह बी बाई ए है, तो बेस अलग अलग है, तो बेस को अगर सिमिलर करना है तो आप देखिए ए बाई बी होल पावर हो गया एन इक्वल टू, इसको जब हम पलटेंगे तो ये इसको भी जब हम ए बाई बी लिखेंगे तो जो पावर है वो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ या ना, अरे आएगा ना। जैसे कि ए टू दी पावर एम है, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई ए करेंगे तो इस पर पावर कितना आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंड है। तो अब जो है वो बेस क्या हो गया, सेम। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो पावर जो है वो इक्वल होगा दोनों का, यानी कि एन का वैल्यू जो है वो कितना होगा, माइनस हाफ। क्लियर हो गया, कितना होगा, माइनस हाफ होगा, यही आपका आंसर हो गया। एन का वैल्यू कहा गया था निकालने के लिए, एन का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए नोट करिए।